नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत तेगरा विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक राम रतन सिंह द्वारा अनुशंसित तेगरा प्रखंड अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकटोल के परिसर में बने विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन विधायक राम रतन सिंह, निपानिया मधुरापुर के मुखिया चंद्रभूषण सिंह एवं पकटोल पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सानी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। विद्यालय के हाल बरामदा के साथ सीढ़ी जो प्रकलित राशि 12,40,300 रुपए की लागत से निर्मित की गई थी, उद्घाटन के समय उपस्थित छात्र छात्राओं को विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि सच्ची लगन और सुदृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज नहीं तो कल सफलता उनके चरण चूमती है। निपनिया मधुरापुर के मुखिया चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि छात्र हमारे देश की धरोहर ही नहीं बल्कि भविष्य है। उन्होंने विद्यार्थियों को चरित्रवान बनने का परामर्श देते हुए पढ़ाई के साथ खेलकूद में नाम रोशन करने पर बल दिया। मुखिया पंकज कुमार सानी ने कहा कि शिक्षा के मंदिरों में ननिहालों को शिक्षित किया जाता है, गरीबों के बच्चे इन विद्यालयों से पढ़कर अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं अभिभावकों की नैतिक जिम्मेदारी है शिक्षक समय से विद्यालय पहुँचे एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजें। प्रभारी प्रधानाध्यापक महबूब आलम ने विधायक सहित अन्य अतिथियों को पुष्प गुच्छा सहित अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मौके पर विधायक सलाहकार हरिराम सिंह, अभिभावक मनसुन चौधरी, शिक्षक चंदन कुमार, राहुल कुमार एवं विपिन कुमार के अलावा विद्यालय के शिक्षक एवं ग्रामीण मौजूद।